हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 20 कक्षा 10वीं जो कि दिनांक 23/8/2021 के लिए है कर रहे हैं। आज हम इस वर्कशीट के अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब अम्ल और क्षार को पानी के अंदर विलयन बनाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करते हैं। तो इसी अभिक्रिया को जिसमें अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्षार जमा अम्ल बराबर है लवण जमा जल। तो इसको अगर हम पिक्चर से दिखाना चाहें तो जो अम्ल है नीले लिटमस को लाल करता है, बेस लाल को नीला करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद ये हरा रंग का हो जाएगा। और एक जनरल हम उदासीनीकरण की उदाहरण ले सकते हैं जिसमें अम्ल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो कि हमें लवण सोडियम क्लोराइड और पानी देता है। तो ये एक आसान सा उदासीनीकरण का उदाहरण है। अब हम प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को निम्न भी कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो ये उत्पन्न क्या करते हैं, लवण तथा जल। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब लवण जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा। इस प्रयोग के लिए टीचर ने उन्हें अम्ल तथा क्षार दिया। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, क्या आप उन्हें मदद कर सकते हैं? पहला प्रश्न है, साधारण नमक कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा है, इसकी अभिक्रिया लिखें। तीसरा है, क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के भी कहते हैं। और चौथा है, इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षार का नाम लिखें। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं कि जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो अगर हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिएगा। तो ये अभिक्रिया हमने पहले भी की थी, इससे सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। हाँ, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जो इस अभिक्रिया में अम्ल का इस्तेमाल हुआ वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो क्षार हुआ वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आशा है कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ आ गई होगी और इसके साथ आप अपने दैनिक जीवन में भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है आप याद करके अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। शुक्रिया।